आप सभी को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और सारे ही बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम। मेरा नाम है विनायक और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे NSA के बारे में। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों के अंदर सुना होगा कि कुछ राज्य सरकारों ने NSA लगाने का कुछ एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। तो सभी लोगों के मन में आ रहा है पिछले कुछ समय से कि ये NSA है क्या। NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका। इसके अंदर जो इसके प्रावधान है, जो इसकी नियमावली है, ये दूसरे कानूनों से बहुत ही ज़्यादा सख्त है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे कानूनों के अगर आप कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का कानून है, बहुत ही सख्त कानून है, स्ट्रिक्ट कानून है। तो चलिए आज हम इसके बारे में कुछ ज़रूरी तथ्य जानते हैं। इसका जो स्टार्टिंग हुई थी, ये जब लागू हुआ था सन 1980 के अंदर, सितंबर के अंदर, उस टाइम पे ये लागू हुआ। फिर उसके लागू होने के बाद में इसके तब से आप आज तक अगर कोई भी रिकॉर्ड देखें, जैसे कि आप लोग NCRB के अंदर कोई रिकॉर्ड देखते हैं जो कि नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो है, उसके अंदर अगर आप कोई से भी रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करते हैं जिसके अंदर देश के जितने भी क्राइम्स वगैरह हैं उनके रिकॉर्ड्स वगैरह आपको पाए जाते हैं, तो उसके अंदर भी आपको इससे या इसके है ना रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं मिलेंगे कि किस पे लगाया गया है, कब लगाया गया है या कैसे कैसे इसका जो है एक्शन लिए गए इसके ऊपर। क्योंकि ये बहुत ही सख्त कानून है और बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट इसको प्राइवेट रखना चाहती है। प्राइवेट रखने का मतलब आप देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि प्राइवेसी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो इस कानून को दूसरों से सख्त क्यों माना जाता है और दूसरों से स्ट्रिक्ट कैसे है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी अगर आपको कोई भी आपके ऊपर एक्ट लगता है, किसी भी तरीके का आपके ऊपर कानून लगता है सख्त, तो उसके अंदर आपको वकील लेने की इजाज़त होती है या अपने जो सपोर्ट में है किसी को खड़ा करने के लिए आपको हमारा जो कानून है भारतीय संविधान वो आपको इजाज़त देता है। पर जो NSA है, NSA के अंदर आप लोग अपने लिए कोई वकील नहीं खड़ा कर सकते हैं, कोई सपोर्ट नहीं खड़ा कर सकते हैं। दूसरा, राज्य सरकार चाहे तो इसकी कोई आप FIR भी दर्ज नहीं करा सकते हैं कि भैया आपके ऊपर ये लगा है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिसने भी आपके ऊपर ये कानून लगाया है वो चाहे तो ये सख्त कदम उठा सकती है। दूसरी बात ये कि NSA के अंदर आपको साल भर के लिए, 12 महीने के लिए डिटेंशन सेंटर में डाला जा सकता है, फिर वहाँ पे आपके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत ही सख्त कानून है। इसके अंदर आप अगर किसी भी देश विरोधी गतिविधि के अंदर पाए जाते हैं या फिर देश विरोधी के अलावा अगर देखा जाए तो मान लीजिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने कोई भी निर्देश दिए हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्होंने जिनके पालना करना ज़रूरी है, उन्होंने कहा है कि ये देश हित के लिए इसका पालन करना ज़रूरी है, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं करते, आप उनका पालन नहीं करते, तो उस टाइम पे अगर राज्य सरकार को ज़रूरी लगता है तो राज्य या फिर केंद्र सरकार जिसको भी लगता है वो आपके ऊपर ये कानून लगा सकती है और आपको NSA के अंदर हिरासत में ले सकती है। तो इसीलिए मुझे लगा कि आप सभी को इस जानकारी की बहुत ज़रूरत होगी और ये जानकारी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखें इस जानकारी के बारे में। और सारे बड़े जो हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम पे आप प्लीज़ घर के अंदर रहें, क्योंकि कोरोना जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारे बड़े बुज़ुर्गों को। और कृपया करके इस टाइम पे देश के साथ खड़े रहें। हम लोग अगर हैं तभी ये देश है और तभी ये जहान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।